सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीड डिज़ाइंस को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिज़ाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन जिसे मैं पिंटेक्स के साथ रेडी करूंगी स्लीव की मोरी पे, और जिसे मैं इस डार्क कलर के साथ ही बनाऊंगी। इसके ऊपर बॉर्डर डालना है मुझे पिंटेक्स का, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये डार्क कलर का फैब्रिक लिया है। मैंने लंबा उतना लेना है जितनी मेरी स्लीव की मोरी है। ये मैंने ज़्यादा लंबा इसलिए लिया है ताकि दोनों स्लीव की मोरी एक ही में से निकल जाए। ये देखिए लगभग 9.5 इंच ये चौड़ा है। पिंटेक्स डालने के बाद ये कम रह जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे पिंटेक्स डाल देते हैं। ऐसे हमने फैब्रिक को एक साइड से उठाना है, इस तरीके से। एक पैर फैब्रिक को उठा के ऐसे हम अपने कपड़े को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ध्यान में रखिए, एक पैर की सिलाई दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये जो सिलाई है आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। जैसे मैंने सीधे फैब्रिक को उल्टी तरफ फोल्ड किया है, आप भी उसी तरीके से इसको फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाएं और बिल्कुल सीधी सीधी। ये देखिए पिंटेक्स तभी अच्छी लगती है जब फिनिशिंग से लगी होती हैं और बिल्कुल इक्वल गैप पे लगी हों, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं ये। तो ऐसे मैंने सारी सिलाई सीधी लगा लेनी है। ये हमारी एक पिंटेक्स इस तरीके से डल जाएगी। तो ऐसे हमारी एक पिंटेक्स की सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी लगाएंगे। दूसरी को हमने लगभग 1/2 इंच के गैप पे उठाना है। इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को उठाएंगे। दोबारा फिर से हम इसको उल्टा ही ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे। हमारी ये जो सिलाई है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और सेम गैप पे हमें बनाना है ये। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों सिलाइयाँ 1/2 इंच के गैप पे आ रही हैं। आप चाहो तो मार्क करके भी लगा सकते हो। ये देखिए, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। दोनों सिलाइयाँ हमारी ऐसे आएंगी बिल्कुल बराबर गैप पे, इस तरीके से आ जाएंगी प्रेस करने के बाद एक दूसरे के ऊपर। तो चलिए मैं एक और आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने 1/2 इंच का गैप लेना है, तभी ये बराबर आएंगी और अच्छी लगेंगी। ध्यान में रखिए, जो सिलाई हमने लगाई है पिंटेक्स की, वहाँ से लगभग 1/2 इंच का आपने गैप लेना है। इस तरीके से ये देखिए लगभग 1/2 इंच का ये गैप है हमारा। अब हम यहाँ पे अपनी एक और सिलाई लगा देंगे एक पैर के गैप के साथ। तो बिल्कुल बराबर गैप पे हमें अपने सारे फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ, और ऐसे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ लग के ऐसे रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अपनी सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ तीसरी सिलाई लगने के बाद। तो ये देखिए, हमारी जो 3 पिंटेक्स है ऐसे आ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई। तो ऐसे ही हमारी सारी पिंटेक्स जब बन जाएंगी तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा ये। ये देखिए, प्रेस करने के बाद ऐसे आ जाएंगी सारी। हमने ऐसी तरीके से डाल लेनी है। तो सारी पिंटेक्स की सिलाइयाँ लगने के बाद हमारा ये फैब्रिक ऐसे आ जाएगा। तो जो हमारा 9.5 इंच का फैब्रिक था, ये देखिए रेडी होने के बाद 3.5 इंच का आ गया है। तो अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ऐसे। एक तरफ हमने प्रेस करनी है। ध्यान में रखिए, एक ही तरफ लाएँ आप अपनी प्रेस के साथ इसको। ऐसे हमने एक तरफ बिठा लिया। अब हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस के साथ इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो प्रेस करने से ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा पिंटेक्स का रेडी हो गया है। बिल्कुल बराबर सिलाइयाँ आई हैं हमारी। तो ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स की जो बॉर्डर रेडी किया है, मैंने दोनों को बीच में से कट कर लिया है। अब मैं इसको स्लीव पर स्टिच करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको कैसे स्लीव पर स्टिच करना है। तो चलिए हम स्लीव पर इसको स्टिच करते हैं। जो मेरी स्लीव है ऐसे मैं लूँगी इसकी मोरी वाली साइड, और ये मैंने उल्टी साइड लेनी है। ये इसकी सीधी है और ये स्लीव की उल्टी साइड है। ध्यान में रखिए, हमें उल्टी साइड पे रखना है अपना ये बॉर्डर। और ऐसे जो हमारी पिंटेक्स की एक सिलाई है सबसे नीचे वाली, उसको हमने इस तरीके से पकड़ना है फोल्ड करके, और यहाँ पर पिंटेक्स की सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ऐसे मैंने 1/2 इंच का जो मार्जिन लिया है स्लीव का, उस पर मैंने पिंटेक्स की सिलाई को
ये मैंने कट लगाया हुआ है आधे इंच पे। पेंटेक्स की सिलाई को मैंने ऐसे रखना और यहाँ पे सिलाई लगानी है अपनी सिलाई के ऊपर ही। तो इस तरीके से आधे इंच की स्लीव के मार्जिन को हमने नीचे की तरफ दबाते हुए ऐसे लगानी है पेंटेक्स की सिलाई। तो इधर इसमें आप ध्यान में रखिए, जो मेरी पेंटेक्स की सिलाइयाँ वो ऊपर की तरफ हैं, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे यानी कि सीधी साइड करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएंगी। वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ पलटने के बाद। ये देखिए हमारी जो सिलाइयाँ ऊपर की तरफ है अभी, अब हम इसको जब सीधी साइड पे पलट देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगी। वो भी मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से जब हम इसको सीधी साइड पे पलट रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आ रही हैं। ये देखिए ऐसे नीचे से हमारी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुकी है। अब हम इस अपनी स्लीव को सीधा कर देंगे और जो बॉर्डर है वो फ्रंट साइड पे ले आएंगे। इस तरीके से हमने इसको सीधा कर दिया है और ये देखिए पेंटेक्स की सिलाइयाँ अब नीचे की तरफ आ गई हैं और कितनी फिनिशिंग से लगा है ये नीचे से सिलाई हमारी, देखिए। तो अब हम ऊपर से भी इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करके हमने यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ इसको फिक्स कर देना है स्लीव के साथ। ध्यान में रखिए आपके फैब्रिक में नीचे झोल ना आए, आप ध्यान में रखते हुए ये सिलाई लगाएं, बिल्कुल बराबर बिठाते हुए। ऐसे हमने बराबर बिठा लेना है पिनटेक्स की सिलाइयों को भी और नीचे स्लीव को भी। तो किनारी की सिलाई के साथ हमने बॉर्डर को स्टिच कर देना है इसके ऊपर। तो ये हमारा बॉर्डर स्टिच हो चुका है हमारी स्लीव के ऊपर। तो पीछे से भी ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बॉर्डर आया है, गुम बॉर्डर आया है ये। अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको कुर्ती पे स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो स्लीव हमारी ऐसे स्टिच हो चुकी है। अब मैंने इसको कुर्ती पे भी स्टिच कर लिया है, इसके साथ मैंने ये नेक बनाया है। ये ऐसे मैंने नेक बाहर की तरफ पलटा है और उसके साथ मैंने दी है कुर्ता पट्टी सेम कलर की और साथ में मैंने पॉकेट भी दी है, ये देखिए। तो ये हमारी कुर्ती जो है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल घर पे ही रेडी होगी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपनी ये स्टिचिंग की नई नई टिप्स आप सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।